जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की अपनी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज हम आपकी फर्स्ट बुक के दो चैप्टर, सातवां चैप्टर समकालीन विषयों में सुरक्षा और आठवां चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उसके छोटे वाले प्रश्नों की बात आज हम कर रहे हैं। इन दोनों पार्ट से जो बड़े क्वेश्चन आने हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको पहले ही मैं वीडियो के माध्यम से जो बता चुका हूं। आज हम एमसीक्यू सीरीज के आठवें जो नंबर है अपना उसके अंदर इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप भी साथ में जवाब दीजिएगा और उन प्रश्नों के आसपास की बातें भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश है वो आपको करनी है। यही प्रश्न आपको वन लाइनर के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में या ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा में मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अभ्यास करते हैं। ये लीजिए आज का अपना पहला प्रश्न आपके सामने। जैविक हथियार संधि कब हुई? 1970, 1971, 1972 और 1973। एक चीज और है, इन दोनों चैप्टर में डाटा के प्रश्न ज्यादा बनते हैं तो आज आप उनको भी यहां पर देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो इसको आपको थोड़ा सा अगर याद रह जाए तो इंग्लिश में भी नाम याद रख लीजिएगा। शॉर्टकट बात करूं तो BWC, तब तक आप उत्तर भी सोच लीजिए। बी यानी बायोलॉजिकल यानी जैविक, वेपन्स हथियार और कन्वेंशन यानी संधि। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWBC है, ये कब हुई थी? तो कब है इसका सही आंसर? बिल्कुल सटीक जवाब 1972 के अंदर। BWC कब हुई? 1972 के अंदर हुई, 72 के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है, मिलते जुलते प्रश्न। रासायनिक हथियार संधि कब हुई? इंग्लिश में बात करें शॉर्टकट तो CWC पहले वाली थी अपनी BWC, ये CWC। फुल फॉर्म की बात करें सी यानी केमिकल यानी रासायनिक, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये कब हुई? सन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें सही उत्तर छांटना है। 91, 92, 93, 94 कौन सा होगा? BWBC की बात कर ले वापिस, 72 में, इसके 20 साल बाद। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही 1992 में CWC हुई 1992 में, BWC 72 में, CWC 1992 में। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? शॉर्ट फॉर्म की बात करें पहले यह भी समझ लें, NPT सन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप सोचिएगा साथ में इनके ऊपर। NPT फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, NPT, ये कब हुई? सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही 1968 में। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। आज के अपनी इस सीरीज में आप देखेंगे कई प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कुछ मुद्दे ऐसे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक के जो कई चैप्टर के अंदर आते हैं, तो जो ज्यादा चैप्टर में आते हैं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इस परमाणु अप्रसार संधि की बात कर लो, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी है और यहां पर आपके इस चैप्टर में फिर शामिल हो गई है, तो वहां भी इंपॉर्टेंट है और यहां भी। तो वहां छूट जाएगा एग्जामिनर से तो यहां पकड़ में आ सकता है। तो इसलिए आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, गौर कीजिएगा, जागते रहिएगा। आज फालतू के हाई हेलो छोड़िएगा क्योंकि टाइम नहीं है अब हाई हेलो और दोस्ती के लिए। अगर समझ है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाग जाइएगा। जागो ग्राहक जागो भाई, सब कुछ फ्री मिल रहा है, आपके भविष्य की बात है। 1 जुलाई 1968 को ये संधि प्रभावी हुई। इसके अंदर क्या कहा गया एनपीटी के अंदर, 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है जिन देशों ने, उन्हें एटमी हथियार रखने की अनुमति मिल जाती है 1 जनवरी 1967 तक। तो ताकि अब कोई नया देश परमाणु हथियार नहीं बनाए युद्ध के उद्देश्य से, इसलिए यह संधि आई थी 1968 के अंदर आई थी। तो बहुत अच्छा, आप बहुत से बच्चों के अच्छे से तैयार है। अगला प्रश्न देखिएगा,
भारत ने परमाणु पहला परमाणु परीक्षण कब किया? देखिए तीन चैप्टर के अंदर ये लाइन आती है तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार हम अभ्यास में ला चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर अब चर्चा करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। तो 1974 इंदिरा गांधी जब हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम। अगला प्रश्न है पांचवा का, निम्न में से किस देश को, बहुत प्यारा प्रश्न, किस देश को वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है? अमेरिका, भारत, नेपाल या मालदीव? वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण से, प्रदूषणकारी गैसों से इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पिघला हुआ पानी कहाँ आएगा? वो समुद्र में आएगा और समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग से 2 मीटर ऊंचा अगर तल समुद्र का बढ़ जाता है तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश का 20% इलाका डूब जाएगा, थाईलैंड की 50% आबादी है वो प्रभावित होगी, और एक देश ऐसा है जो लगभग सारा ही डूबने की संभावना रहेगी। यही प्रश्न है अपना यहां का। तो सबसे ज्यादा खतरा, बिल्कुल सही, मालदीव, 4 नंबर ऑप्शन मालदीव। भारत के नीचे श्रीलंका के साइड में एक द्वीपीय देश, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर 2 मीटर पानी ऊपर चढ़ गया तो मालदीव तो डूब ही जाएगा सारा। कितना प्यारा प्रश्न है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इनसे। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सीधा प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर रट लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझकर उस चीज को याद करें, उससे आप एक नंबर, वही बातें 2 नंबर वालों में घुमा फिरा कर लिखनी होती है, थोड़ा सा समझिएगा, टाइम वेस्ट नहीं है। आपको लगता है 20 मिनट या 18 मिनट 22 मिनट के इस वीडियो में 20 मिनट ही अगर आप इस चीज को करते हो तो क्या आपका टाइम खराब होता है? सोचिएगा आपका कहां कहां टाइम खराब होता है, जहां होता है रियल में वहां बचा लो टाइम को, क्योंकि समय अपने पास कम है। और अभी भी मैं कहता हूं कुछ नहीं बिगड़ा, 1 महीने भी अगर आप आज भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो अपने सपने सच कर लोगे, सपने सच कर लोगे। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो मैं विश्वास दिलाता हूं 60% से प्लस आपके नंबर आ जाएंगे। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है, मिशन अपना है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने हमला कब किया, यह आपको पता है, तीसरे चैप्टर में भी बात आती है और यहां भी। तीसरा अपना हट गया अमेरिका वाला, तो लेकिन यहां तो इंपॉर्टेंट हो गया यह प्रश्न। तो तारीख 11 सितंबर 2001, 20 जनवरी 2002, 11 सितंबर 2003, 20 जनवरी 2004, कब झटका लगा अमेरिका को पहली बार? जब अमेरिका को रियलाइज हुआ भी आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। बिल्कुल सही, 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आतंकवादी हमला, आतंकवादी गुट अलकायदा ने हमला किया। इस अलकायदा का इस्तेमाल अमेरिका ने ही किया था अपने फायदे के लिए, और जो बाद में उसी का दुश्मन बन गया। तब अमेरिका को एहसास हुआ भैया ये तो टेररिज्म तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे पहले तो इसे ये ऐसे ही मानता था कुछ नहीं है, अब तो वो भी मानता है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न, क्यूटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई? क्यूटो प्रोटोकॉल संधि है वो कब हुई ये बताना है आपको, 1996 में, 97 में, 98 में, 99 में कब हुई क्योटो प्रोटोकॉल संधि? बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं 1997 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई, दूसरा ऑप्शन अपना, क्योटो प्रोटोकॉल संधि 1997 में हुई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपना आठवां, बहुत प्यारा प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? दो प्रश्न है, 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुई, लेकिन इंडिया ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर कब किए ये अपने आप में। और एक प्रश्न ये भी बनता है क्योटो किस देश में है, तो तीन बातें हैं यहां पर, 97 में संधि हुई लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कब किए, 2002 के अंदर, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आएगा ये प्रश्न 2002 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा,
अंटार्कटिका संधि है वो कब हुई? अंटार्कटिका संधि, बहुत प्यारा प्रश्न। मैंने कहा आज के इस वीडियो सेशन में डाटा के प्रश्न ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं चैप्टर से नहीं, आपकी पॉलिटिकल में घूमती है ये हॉलीवुड की सीरीज। जो बच्चे रेगुलर यहाँ पढ़े होंगे, याद कीजिएगा अपनी हॉलीवुड की सीरीज, एक एक बात को हमने जोड़कर पढ़ा है, तभी तो सपने देखे हैं अब की बार 90 पार, और कई बच्चों ने 95 पार तक के सपने देखे हैं। अरे 100 में से 100 भी आ सकते हैं। कोई ये कहता है राजनीति विज्ञान में कट जाते हैं, मैं कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटते, आपको लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। तो अंटार्कटिका संधि कब हुई? बिल्कुल सही, 1959 में, 1959 में। 1959 के अंदर संधि हो गई, और आपको पता है अंटार्कटिका को क्या मान लिया गया? विश्व की साझी विरासत मान लिया गया, विश्व की साझी विरासत मान लिया गया, मानवता की विरासत, साझी विरासत मान लिया गया। वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष, ये सब क्या है? हमारे विश्व की साझी विरासत है। 1959। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा। रियो डी जेनेरियो किस, ये जो स्थान है ये किस देश में है? इटली, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील। बहुत प्यारा प्रश्न है। रियो डी जेनेरियो किस में है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश, सबसे बड़ा देश, ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न आगे और भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये पता हो रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राजील के अंदर है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न आ गया कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूं, ये जो सम्मेलन है कई पृथ्वी सम्मेलन, लेकिन हम प्रथम की बात करते हैं, लेकिन आपके यहाँ पहला दूसरे की बात नहीं है, फर्स्ट की बात है, इसलिए इसके आगे प्रथम शब्द नहीं यूज किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यही जो हमने बात की ऊपर रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील के अंदर है, ये जो सम्मेलन हुआ एनवायरमेंट को लेकर, ये पृथ्वी सम्मेलन कहलाता है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहलाता है। कब हुआ? बिल्कुल सही, 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में, रियो सम्मेलन जिसको हम कहते हैं, पूरा नाम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। अगला प्रश्न देखिएगा, लिमिट्स टू ग्रोथ, क्या बात है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक है ये, बात यहां, ये पुस्तक किसने प्रकाशित करवाई, उस संस्था का नाम बताइएगा, कितना सुंदर सा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, तो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस संस्था ने प्रकाशित की? क्लब ऑफ रोम, लंदन क्लब, क्लब ऑफ पेरिस, मैनचेस्टर क्लब। बिल्कुल सही, क्लब ऑफ रोम, बहुत बच्चों ने सही लिखा है, क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक है वो लिखी है। उसके बाद इंडिया, इंडिया का प्रश्न, क्या भारत के अंदर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सन बताना है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, 2001 में, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो भारत ने पारित किया। अब ध्यान रखिएगा 2002 में, अब कुछ चीजें ऐसे ही दिमाग में रह जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर इंडिया ने हस्ताक्षर किए हैं, कब किए हस्ताक्षर? 2002 में, तो एक बात वो याद रह जाएगी, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया। अब एक चीज और देख लेंगे लगे हाथी, 2003 में क्या हुआ था? 2003 के अंदर बिजली अधिनियम, रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात है वो कही गई थी, तो अच्छे से समझते चलिए बात को। अगला प्रश्न देखिएगा, लो जी अभी किताब पढ़ी हमने, बी लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित की गई। प्रश्न की भाषा देखिए, अब जुड़ी हुई सारी बातें एक साथ ही पूछ ली, कह भैया प्रकाशित की इसने और इस टाइम की, तो कह ये बता दो वो सन कौन सा है, 69, 70, 71, 72 कौन सा है, ये आपको बताना है इसके अंदर। बिल्कुल सही, 1972, 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी। साथ में याद रखिएगा 72 के अंदर क्या हुआ, 72 के अंदर BWC भी हुआ, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि, ये भी 1972 में हुई।
लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का प्रकाशन भी 1972 में हुआ। अभी ऊपर हमने एक प्रश्न किया था, कौन सा अभी बताएं हम, पृथ्वी सम्मेलन वाला प्रश्न किया हमने, आप देखिएगा उस प्रश्न को। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कब हुआ था, 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ, ब्राजील के अंदर हुआ। और 1992 में एक चीज और याद रख लीजिएगा, पुनः हम प्रैक्टिस करें, पीछे एक प्रश्न आया था CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि, ये भी 1992 में हुई। तो जोड़ लीजिएगा, जोड़ लो, पेपर अपने आप टूट जाएगा, जोड़ते ही पेपर टूट जाता है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात, कितनी प्यारी बातें चल रही है। शानदार प्रश्न, विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है। विश्व की साझी विरासत में हम चार बातों का जिक्र करते हैं, उन चारों में से यहां कौन सी ऐसी आ गई जो नहीं शामिल है उसके अंदर। वायुमंडल है, समुद्री सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है, तो ये तीनों तो है, कौन सा नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है, ये साझी विरासत नहीं है। चौथी साझी विरासत जो अक्सर हम बात करते हैं वो कौन सी है, अंटार्कटिका है। 1959 के अंदर अंटार्कटिका को विश्व विरासत की, जो विश्व की साझी संपदा है, वो मान लिया गया था। और इस 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां हैं वो वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक है सीमित रहेगी, सबकी साझी है, आइए यहां रिसर्च कीजिए। और दुनिया के देश यहां रिसर्च करने जाते हैं अंटार्कटिका में। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हो गया, सड़क मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, लो जी, क्योटा प्रोटोकॉल कब हुआ, क्योटा प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ वो बताना है। वाह, मैंने पहले कहा था क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई, याद कीजिए 1997 के अंदर हुई। इंडिया ने हस्ताक्षर कब किए, 2002 में किए, लेकिन क्योटो है कहां, यह भी तो हमें पता होना चाहिए। भी बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, किस देश में है, बिल्कुल सही, कहीं कोई शक की बात ही नहीं, जापान में हुआ, जापान में। जापान आते ही तो अगस्त 1945 दिमाग में आ जाना चाहिए, क्यों, परमाणु हथियार, अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। लिटिल बॉय और फैटमैन, जो गुप्त नाम उन बमों के रखे गए थे, वो दिमाग में आ जाने चाहिए। ये इसको कहते हैं जोड़कर पढ़ना, और जोड़ के पढ़ता है वो पेपर को फोड़ता है, तोड़ता है। अगला प्रश्न, रियो यानी रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में हुआ, वो पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहलाता है, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ये बताना है। तो रियो कहाँ है, ब्राजील के अंदर है। सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ, और 1992 में ही कौन सी एक संधि और हुई, CWC हुई, रासायनिक हथियार जो संधि हुई। तो इस रियो सम्मेलन 92 वाले में कितने देशों ने भाग लिया, बहुत प्यारा प्रश्न है, कहीं भी एक नंबर वाले में आ जाए, ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान किसी में भी आ जाए, बिल्कुल सही, 170 देशों के प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया था। कुछ बच्चे कहते रहते हैं सर रिक्त स्थानों की तैयारी करवाए, रिक्त स्थानों की कोई तैयारी नहीं होती, वन लाइनर तैयार है वही रिक्त स्थान आने हैं, बस रिक्त स्थान आएंगे तब ऑप्शन नहीं आएंगे, भी सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, जो CWSN बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे हैं, उनका पेपर अलग से आता है, तो उनको रिक्त स्थानों में भी ऑप्शन मिल जाते हैं, दो में से एक भरना होता है, लेकिन सामान्य स्टूडेंट के ऐसा नहीं होता। अगला प्यारा प्रश्न देखिएगा, अवर कॉमन फ्यूचर, जो कि बर्टलैंड जो रिपोर्ट आई थी उसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, हिंदी में कहते हैं अवर कॉमन फ्यूचर, शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट जो थी उस किताब का शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर, ये कब छपी थी, बहुत प्यारा प्रश्न है। और इसके 5 साल बाद रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसके 5 साल बाद 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, तो रियो सम्मेलन से 5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में बताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू जो चल रहे तौर तरीके हैं आगे चलकर वो टिकाऊ साबित नहीं होंगे। टिकाऊ का मतलब क्या होता है, भी आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, वो टिकाऊ विकास कहलाता है। तो टिकाऊ विकास के प्रति सचेत किया था इस रिपोर्ट ने, जो कब आई, बिल्कुल सही 1987 में, और इसके बाद ही 1992 में रियो सम्मेलन है वो हुआ था।
कितना शानदार जवाब मिल रहा है। कई बच्चे कितना तन मन से वास्तव में ध्यान लगा रहे हैं पढ़ाई के प्रति। टाइम पास वाले तो कुछ भी नहीं हो सकता उनका। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनके सपनों को जागृत करें, अपने परिवार के बारे में उनको समझाएं वो किस रास्ते पर जा रहे हैं और कौन सा रास्ता उनके सामने बाहें फैलाए खड़ा है। विकास वो उस रास्ते पर चलें और अपने परिवार को उस गरीबी के जंजाल से बाहर निकाल कर लेकर आएं। और जो स्टूडेंट कहते हैं भी हमारे तो वैसे ही जमीन जायदाद खूब हैं, उनको ये कहना चाहूँगा, आप अपने दम पर क्या कमाएंगे? क्या सिर्फ पुरखों वाले पर ही ऐश करेंगे? सोचने की ज़रूरत है, अपना नाम कमाने की ज़रूरत है। वरना कहा जाता है ना, हर तीसरी पीढ़ी परिवार का सत्यानाश कर देती है, बस आप उसमें शामिल नहीं हो। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को कब अनुमोदित किया? बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ये कन्फ्यूजन वाला भी है। एक प्रश्न आया था पीछे, ये सन आपके सामने लिखे हैं, जिनको जवाब देना है वो, बाकी जिनको समझना है तो कुछ बातें समझिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये है पेरिस जलवायु समझौता। एक प्रश्न है अपना क्योटो प्रोटोकॉल का। क्योटो प्रोटोकॉल जो 97 में हुआ, इंडिया ने उस पर हस्ताक्षर किए, 2002 में हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया भी, सही है, अनुमोदित कर दिया भी, हाँ जी हम साइन कर रहे हैं भी, हमारे मंजूर है ये चीज़, अनुमोदन कर दिया उसका। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेरिस जलवायु समझौता है। पेरिस जलवायु समझौते को इंडिया ने कब अनुमोदित किया ये बताना है यहाँ पर, बहुत प्यारा प्रश्न है, कब अनुमोदित किया ये चीज़ बताइएगा। सब में 2 अक्टूबर है तो इसका मतलब तारीख तो सबकी सेम होगी, सन का ध्यान रखना है कौन सा है, सोचिएगा। 2 अक्टूबर 2016। तो पेरिस जलवायु समझौते को इंडिया ने कब अनुमोदित किया? 2016 में। और क्योटो प्रोटोकॉल को कब अनुमोदित किया? 2002 में। याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। एक से बढ़कर एक प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कहां पर सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन होता है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। बिल्कुल सही, सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर तेल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है आपको पता है? खाड़ी देश जो हैं वो 30% तेल का प्रोडक्शन करते हैं। और इस सऊदी अरब के पास तो आपको पता है 1/4 प्रोडक्शन, यानी 25% तो अकेला सऊदी अरब है वो प्रोड्यूस करता है सऊदी अरब तेल का। और 2 नंबर पे देश कौन सा है? वो है इराक। तो दोनों ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है और तेल उत्पादन में जो ज्ञात तेल भंडार है सऊदी अरब के, उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है? इराक का आता है, इराक का नंबर आता है। तो दोनों ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में कितने मूलवासी लोग रहते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, इंडिजिनस का प्रश्न है, एक टॉपिक है आपके चैप्टर का, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के लास्ट का। एक तो मूलवासी की परिभाषा पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 1982 में एक परिभाषा दी थी उसके बारे में। तो कितने लोग हैं, दोनों ध्यान रखिए, यहाँ फिलीपींस भी और उसका क्षेत्र कौन सा? कोर्डिलेरा क्षेत्र। कितने मूलवासी रहते हैं? बिल्कुल सही, 20 लाख। 20 लाख लोग, 20 लाख लोग। ऑप्शन और भी हैं, इन पर भी बात करेंगे। टोटल जो दुनिया के अंदर भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के जो बातें हैं वो की जाती है, और उसमें फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र के अंदर 20 लाख लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 22वां, कि भारत में मूलवासी इंडोजीनस के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, एक नंबर में भी, रिक्त स्थान किसी में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 शब्द यूज होते हैं इसके लिए, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 3रा, 1 और 2 दोनों। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स, ST जिनको कहते हैं, ST, जिसमें भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, ये जनजातियां जो आती है ST कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति भूल गए और ST शब्द याद है तो ये लिख दीजिए, या तो ST कहा जाता है और या इन्हें आदिवासी। तो दोनों ही शब्दों में प्रश्न आ गया, भारत में मूलवासी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो आप दोनों लिख दें
या लगा के अथवा लगा के या कोई एक लिख सकते हो। तो अनुसूचित जनजाति अथवा आदिवासी यानी एसटी या आदिवासी के नाम से, तो यहां इस हिसाब से ऑप्शन तीन आपका सही होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स का गठन कब हुआ, जो मूलवासियों के लिए था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, इसका गठन कब हुआ। और यूएनओ जो अपना है संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा भी उसने दिया था यूएनओ ने, तो 72, 73, 75, 77 कौन सा है, तो इसका सही आंसर है 1975 की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आनंद लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन से हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति, परंपरागत सुरक्षा नीति यानी अपने देश को राष्ट्रीय सुरक्षा को, सीधी सी बात है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, पड़ोसी देशों से हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हो जाए, अपने देश को पड़ोसी दुश्मनों से किसी दूसरे देश से बचाना, वो परंपरागत सुरक्षा नीति कहलाती है। तो अपरोध और रक्षा, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, उपरोक्त सभी, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइएगा आप। बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा है, चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ये सारे ही इसका हिस्सा है, अच्छे से आपके दिमाग में है। ध्यान रखिएगा, जब सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, अपरोध। देश को युद्ध की आशंका से बचाना वो अपरोध कहलाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से की जब बात आती है सुरक्षा की दृष्टि से तब उसको रक्षा कहा जाता है। और शक्ति संतुलन, अपने पड़ोसी आस पड़ोस के देशों की जो उनके सिस्टम को देखकर अपना बचाव कर लेना शक्ति संतुलन है, गठबंधन बना लिया जाता है दूसरे देशों के साथ, तो उपरोक्त सभी परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। अगला प्रश्न, आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरे की किस श्रेणी में आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है और पीछे बड़े वाले प्रश्न के रूप में भी है, दो नंबर वाले में, किस श्रेणी में आता है और क्या है। तो आतंकवाद सुरक्षा की कौन सी में आता है, परंपरागत या अपरंपरागत, क्योंकि परंपरागत में हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो सही कौन सा हो गया, अपरंपरागत की बात आ गई, जिसमें हम चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, मानवाधिकारों की बात आती है, हम अच्छे से पता है ये सारे अपारंपरिक जो हमारे तरीके हैं उनके अंदर बात आती है, इन सब की जितनी भी महामारियां हैं वो सारी, उनसे भी देशों को बचाना जरूरी है, तो आतंकवाद अपरंपरागत श्रेणी में आता है। तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न, हमने अच्छे से इसके आसपास जुड़े हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है। अपना टेलीग्राम चैनल भी है सिद्धिविनायक संगरिया, अन्य लाभ के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हो। अब आपको करना है अपने मार्क्स शेयर करने हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाकर, न कि चैट के अंदर, वहाँ अपना नाम स्कूल का नाम लिखकर मार्क्स शेयर कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कम आए या ज़्यादा आए, बात यह है आज के इस 20 मिनट के अंदर आप कितनी चीज़ें सीख पाए हो, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरते वही हैं जो सह सवार होकर चलते हैं, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, जो तैयारी करेंगे वो कन्फ्यूज भी होंगे, गलत भी जवाब देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। उम्मीद करता हूँ बातें समझ रहे होंगे, अपनी तैयारी को आप और आगे तक बढ़ाइएगा, जीतना है हमें, हारने की आदत नहीं है, क्योंकि सब कुछ याद होता है हमें अंदर, ये सूचना ये संदेश, खुद को मूर्ख बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, अंदर के भय को ख़त्म कर दीजिएगा, जो आपको अंदर का ये कहता है सिस्टम भी, मैं भूलता हूँ, मेरे याद नहीं होता, मेरे नंबर कम आते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मूर्ख बना लीजिएगा अपने आप को भी, नहीं मुझे सब कुछ याद होता है, मेरे याद होते हैं, मेरे अच्छे नंबर आते हैं, अपने आप को पॉजिटिव संदेश देना स्टार्ट कीजिएगा, जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। अगर लेस मात्र भी आप अपने ऊपर शंका करेंगे तो आपका शंका वाला परिणाम आएगा। एक हमारे इलाके में कहावत चलती है, आपके भी वहाँ अलग अलग शब्दों में ये बात चलती होगी कि रोनता जय भय मरेडा का समाचार ले गया वह। जब हम किसी काम को रो रो के करेंगे तो फिर पॉजिटिव अच्छा कहाँ से हो जाएगा। तो एक सकारात्मक एनर्जी अपने अंदर पैदा कीजिएगा,
जीतना है और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे सपने सच हो रहे हैं। अब तक जो नहीं जागे वो भी जाग जाइएगा, जाग जाइएगा, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।